काचा बादाम काचा काचा बादाम काचा बादाम काचा बादाम। अरे सामू कहाँ घूम रहा? अरे मारा के घूमना, मजे तो तेरे आ रहे। अरे वो कैसे सामू? जैसे कही करें, मांगना का मांगना और माइयों के नजारे। भाई मैं नहीं समझा, खोल के बता। अरे घर घर दूध देखा वे और नई नई छोरी देखने को मिले। अरे दूर के ढोल तो सब कुछ सुहावने लगे हैं, बस एक छोरी है ठीक सी, वह घास नहीं गिरती। अरे जा, तू तो हम मड़ में घास गिरवा रहा, कुछ खर्च पानी कर, खवा पिया, घास तो घास उसने भी करेगी। अरे तेरी बात को भी पानी देवेंगे? अरे पानी देगा, सूखे पानी तक काम न चले, उसे तो दूध पियाना पड़ेगा और गैल में जलेबी खवानी पड़ेगी। अच्छा यार हो तो तेरे जैसा, तन्ने तो मेरी आंखी खोल दी। रे मैं तो अबलो अंधेरे में हाँ। फिर देख कैसा हो चांदना। तो कल को ही ले, पर हाँ जो उसके घर वालों को पता लग गया, एक ही घैंसले में मेरे तो चांदना ही चांदना हो जाएगा। अरे जा नामर्द, तेरे बस की ना। नामर्दी ना कह दिए, कल को देखे मेरी मर्दानगी। अब तो मैं चलूं दूध काटना, कल को ही पता चल जाओगा। चढ़ जा बेटे सूली पे, भली करे भगवान। आय हाय रे मरेगा के। ला मुझे लगा अभी तो सो के बिना उठे दिखे हैं। रे दूध ले लो भाई, तेरा दूध तो फिक्का लगा है। हाँ तेरे लिए तो चिन्नी घोल के लाऊंगा मैं दूध में। ले भाई 2 किलो दूध दे दे, प्योर दूध दे दिए, मावा काटना रसगुल्ले बनाने। तो फिर एक ही काम कर, बाजार से बने बनाए रसगुल्ले लिया, फिर तो वही प्योर मिलेंगे। ठीक है भाई, हम तो बने बनाए ले लेंगे, फिर दूध का क्या करना। चल फिर कल दूध लेगा, उसमें 1.5 किलो मावा लिखड़ा। दूध 100 रुपए का लेगा था? कल भाई 100 रुपए का लिया था तुझसे। 100 रुपए के दूध में तो 4-5 किलो मावा लिखड़ता। घर वालों ने तो कल मुझे 200 रुपए दिए थे। जब 200 रुपए दिए तो 200 रुपए का लेता दूध, 100 रुपए का क्यों लिया? 100 रुपए का तो मैंने रिचार्ज करवा लिया, घर वाले तो पैसे देते नहीं। वाह भाई वाह, तू तो बहुत अकल बंद है। 100 रुपए का अपना रिचार्ज करवा लिया और 100 रुपए का दूध लिया, उसमें मिला लिया पानी और गलती दूध दिया की। पानी ना डाला भाई, घर में गंगा जल रखा है, वो डाल दिया। वाह भाई वाह, फिर तो कई किलो मावा निकलना है। अरे अगर तेरे जैसे दूध लेने वाले हो जाए तो मेरा तो चल लिया दूध का काम। लाउरे कुदे दूध ले जा, अपने घर को चला जा। चल पकड़, चल गलती बता मैं दूध दिया की, जा चला जा परे को, कदी लिखवाऊं तेरे मावे को। निशा लिया बर्तन, कितना दूध लेगी? जितना मैं कहूँ उतना तू दे देगा? जितना तू कहोगी उतना ही दूंगा। चल 2 किलो दूध दे दे। ले पैसे काट। बस मैं तेरे से पैसे नहीं लेता। क्यों, मैं तेरी बोबो लगूं? बोबो तो मेरा कोई है ही ना।
बस मुझे तो तू ही अच्छी लगे। सारे काम में तुझे मैं ही अच्छी लगूं, कम बोला कर। बस मैं तेरे से ही बोलूं, औरों की माई को तो मैं लगाता भी ना। क्यों, ऐसी क्या बात है? निशा, ये तेरे और मेरे पिछले जन्म के संस्कार हैं। हाँ, मैं तो पिछले जन्म में तेरी लुगाई थी। ले निशा मेरी जान, मैं तेरे लिए जलेबी लाया हूँ, ले इन्हें खा ले। चप्पल इतनी मारूंगी ना तीसरा जन्म हो जाएगा तेरा। मारा जाएगा। बेचारा दूध भी दे गया और पैसे भी न ले गया। मैंने उसे ऐसी बात कह दी, कोई गलती तो न कर दी। जवानों की एक साल में भर्ती, सेना भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव। सेठ जी राम राम। अरे राम राम के बच्चे, तू अब आया रे? दूध कदलो तैयार करेगा? 6 बजे तो दूध लेने वाले आल लगेंगे। सेठ जी बस मुझे 15 मिनट दे दो तुम, अब तैयार करेगा। अरे जा चला जा, कुछ काम कर ले और जल्दी आ जाए कर। ठीक है सेठ जी। दिमाग खराब करके धर दिया। सेठ जी दूध तैयार है। ठीक है ठीक है। 1 किलो दूध दे दो। मत ले लो। एक किलो दूध फूलवती। ले लो भैया। 2 किलो दूध अर्जुन कुमार। सेठ जी दूध दे दो। वहां से ले लो। लो ताऊ जी 1/2 किलो दूध दे दो। अरे लाली 1/2 किलो दूध में क्या होगा तेरा, 1 किलो लिए कर। ताऊ जी हमें तो चाय पानी के लिए 1/2 किलो ही बतेरा है। ए लाली तू किसके लिए जोड़ेगी, तेरा कौन सा लंगार फिर रही। मेरी एक बात मान ले, 2 क्विंटल दूध का मावा कटवा के सारे गांव की दावत कर दे। किस खुशी में ताऊ जी? ए मैं यूं कह रहा हूँ, जीते जी अपनी रोटी कर दे, तेरे पीछे सारी धंदौलत यही रह जाएगी। हम भी सेठ जी के ऐसे ही करेंगे। राम के बच्चे, तुझे किन्ने कई बीच में बोल देगू। ताऊ जी आप तो मेरे नाश करने के चक्कर में हो, मैंने ले रही दूध वूध। राम 1 क्विंटल दूध दे दे। अजी बैठो, इतना बीड़ी पियो, 5 मिनट लगे अब करा तैयार। चुप कर नहीं रहे। अजी यूं कह रहा है दूध कम रह गया, थोड़ी सी देर में गाड़ी आने वाली, जब ले जाइयो। ठीक है ताऊ जी, दूध का भाग क्या है बता दो। भाई सब दूध वाले तो 50 रुपए किलो दे रहे,
मैं 40 दे दूंगा, ले जाइए। ठीक है सेठ जी, हम तो एक घंटे बाद ले जाएंगे। रहो गोखले के बच्चे, तू कहीं हमें मरवा के बैठेगा के? तू सेठ जी मन्ने से ये कर दिया के कह रहा था तू उससे? तुम 5 मिनट बीड़ी पी लो, मैं दूध तैयार करूं। क्यों जी, तुम्हें बताओ, मैंने कोई झूठ बोला? मैंने तो स्कूल में ही पढ़ा, झूठ बोलना पाप है। अच्छा तू ये सत्यवादी हरिश्चंद मेरे ससुरे, मुझे ऐसा लगा तू मेरे नाश करके छोड़ देगा। एक काम करिए, कल को कहीं और धंधा टोलिए, यहाँ आने की जरूरत ना तुझे। ठीक है, मैं ना चलूंगा इसी नौकरी की, दो बेर जूते मार लिए। अरे सुन जा, कहाँ चल दिया, मेरी बात तो सुन ले, सांझ को पापा मंगा दूंगा, आ जा उल्टा। लो भाई, गया मारा तो नौकर, बिक लिया मारा दूध। ले भाई, ससुरा धंधा तो ठप हो ही लिया, अखबार में ही देख के खबर आ रही हो तेरे की। यू के खबर छपी भाई अखबार में, नकली दूध बनाने वालों के यहाँ छापा। लो जी चाय पी लो, अखबार तो बाद में ही पढ़ लियो। मका सिटानी, यू देख अखबार में कितनी खतरनाक खबर आ रही। ऐसी क्या खबर आ गई? रे नकली दूध बनाने वालों के यहाँ छापे पड़ रहे। मैंने कई बार समझा ली, इस बुरे काम ने छोड़ दे, पर छोड़ता नहीं। रे फिर यू जयंत कैसा भरेगा तेरा, हम भूखे ना मर जाएंगे के पता भगवान हमारे से नहीं नाराज हो रहा हो। अब हम जो ये बुरे काम कर रहे हैं ना, उसकी वजह से भगवान ने हमें आज तक एक चुई का बच्चा तक ना दिया। अरे साधु महात्मा ना करे तेरा कोई भी इलाज। अजी तन्ने तो यो ही बात बना नहीं आवे, कल को उस खेड़े वाले बाबा के पास चले गए, कोई कोई इलाज बतावेगा। अरे उस साधु महात्मा पे अपने तो आज लबालक होया नहीं, तेरा कर देगा। क्यों बावली हो रही कलावती? कलावती नहीं लीलावती, ये साधु महात्मा कुछ ना कुछ उपाय बता ही देवे। अरे साधु महात्माओं के द्वारा घने दिन रहा मैं, यू कपाड़ी खेचनी उनते ही सिक्की मन में, आध घंटे लो सांस बंद करके रह सकू मैं। अजी आगे कुल का नाम बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। अरे नाम कोई ना लेता, आजकल तो 2 नंबर तो पैसा कमाओ, हर किसी मंदिर या धर्मशाला में अपने नाम का पत्थर लगवा दो, दुनिया नाम लेगी। ऐसे धंधे का कोई फायदा ना होता, कद तो यो बंद हो जा, अक्कद इस पे छप्पा पड़ जा, बैठे रहिए फिर नहीं। रे छप्पे वप्पे की तू चिंता मत ना करे, मेरा नाम भी सेठ गंगाराम है, वैसी ना है, हम मैं बाजार में जाके दूध बनाने का पाउडर लाऊं। रे दूध ले लो। हमने लेते, हमने तो सेठ जी से लगा लिया दूध। अरे आज कितना लेवेगा दूध? हमने लेते भैया दूध, अब हम तो सेठ जी से लेने लगे दूध, अब सब सेठ से ही लेने लगे। इस सेठ ने तो सारा बिजनेस ही ठप करवा दिया मेरे यार, के करें। अरे शंभू मोबाइल में घुस रहा, दूध ना लेना आज। दूध तो हम सेठ से लेने लग गए, तू 50 रुपए दे रहे, सेठ 40 रुपए किलो दे रहे। एक किलो दूध दे दे यार। आज तू पहला ग्राहक आया ना, तो मेरे सारे ग्राहक नू कह रहे सेठ जी से दूध ले होंगे सेठ जी से। अरे भैया मैं भी तो सेठ के रहक रहा। पर तू मुझे एक बात बता, उस सेठ जी का कौन सी डेयरी है जो इतना दूध दे दे? भैया बता तो मैं तुझे सारे दूं, पर तू मेरा नाम ले देगा, सेठ मेरा हवाई जहाज बना देगा। ओ भाई मुझे बता दे, देखे मेरा दूध का धंधा सारा ठप हो लिया, और मैं तेरा नाम क्यों लूंगा? अरे तुझे दूध और रोज फ्री दूंगा। ले तो फिर सुन, अरे कोई देख तो ना रहा और सुन तो ना रहा? ना कोई ना सुन रहा, बता। भाई सेठ बनावा नकली दूध और मेरे पे बनवा कर, और मैं भगा दिया उसने उत्तर। अरे तू क्यों चिंता मान रहा, तू मेरे धोरा काम कर, उस सेठ के यहाँ तो मैं कल को ही छापा लगवा दूंगा। बस तू मुझे नू बता दे उस दूध किस टाइम बनावे। दूध तो सुबह 6 बजे तैयार कर दे, फिर दूध लेने वाला लगे। ठीक है तो कल को ही ले, 6 बजे तो ही उसके घरों छापा ना लगवा दिया तो मेरा नाम भी रामू नहीं। देख भाई
एक बात और है, सेठ कपाड़ी खेच ले, सेठ चालबाज बहुत है। तू देखता जा, कल को इसे जेल की चक्की ना पिसवा दी। ठीक सा घोल दे से, कदी पोली पटवा दे। न्यू जाग ठा दे जाग। अजी सुनो हो के, रात को आज मुझे बहुत ही बुरा सपना दिखाई दिया। सपना तो रात मुझे भी बहुत ही बढ़िया दिखाई दिया। ऐसा दिखाई दिया जने तेरे दो जुड़वा बालक हुए, और जब मेरी आँख खुली सुसरा चिड़िया का बच्चा भी ना था। अजी यह बात ना है, कोई कोई सपना सच्चा भी हो जावे। अच्छा रे, चल तू बता दे तुझे क्या दिखाई दिया। अजी मैंने यो दिखाई दिया, जनो हमारे घर में पुलिस आ गई। फिर मैं डर गई। फिर पुलिस था, तू ही तो डर गई। मैं ना डरता पुलिस था। कदी डर जा, कहवे मैं ना डरता। ए कहां है तेरा सेठ? अजी मुझे ना पता। अच्छा अरे इसे क्या हो गया, ये तो बेहोश हो गया दिखे। अरे क्या हो गया मेरे सेठ जी को? हाय मेरे सेठ जी तो मर गए। हाय मैं क्या करूंगी। अरे क्या हो गया इनको? मुझे तो ऐसा लगे यू मर गया दिखे। और क्या होगा सेठ जी के? अरे कुछ ना हुआ, यू बताए थे पुलिस वाला जा लिया के। सेठ जी बोले, सेठ जी बोले, सेठ जी बोले, सेठ जी क्या बोले? अरे कुछ ना, तू मुझे नहीं बता दो पुलिस वाला जा लिया के। सेठ जी गया तो हैं, के कह रहा चला गया। और जो ना भी जाता क्योंकि मैं डरू था सुसरे थे उसते। चले गए थाड़ेदार अब डर काहे का, चले गए थाड़ेदार अब डर काहे का, काहे का रे काहे का, काहे का रे काहे का। अरे सुनिए दीवान जी, कोई अंदर हाथ लगाया ना लगा? अबे यहाँ तो उल्टा अभी फंस गए होते। है जी क्या बात होगी? क्यों जी, नकली दूध पकड़ा गया है ना? अरे पकड़ा तो जाता, उसे तो सांस आना बंद हो गया, वो तो देखते ही मर गया। अजी तो मैं बताऊंगा दरोगा जी, वो सेठ मरा ना, उस पे तो खप्पर भरनी आवे, तुम भीतर जाके देखो सारा जिंदा ही पावे। अच्छा चले गए थाड़ेदार अब डर काहे का, चले गए थाड़ेदार अब डर काहे का, चले गए थाड़ेदार अब डर काहे का। अच्छा बेगू मान रहा मैं, चल थाने चल। चल कान साफ करवा लो, 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 कान साफ करवा लो। अरे रुके रुके यार, कम सुनाई दे, कान साफ करवाना, कान साफ कर दोगे? कान ऐसा साफ कर दूंगा अगर कहीं भजन भी बजेगा ना तो तुझे जरूर सुनाई देगा। कै रुपए ले लिया कान साफ करने के? सफाई के 20 रुपए, ज्यादा दिक्कत हो तो 50 रुपए। भाई कर दे इस काम को।
यहीं बैठ जाऊं? हाँ। पूरे 50 रुपए लगेंगे। ठीक है भाई, रुपए तुझे पूरे 50 ही देंगे, पर कटोरा सामान दे कान का। अरे अरे यू क्या कर रहे थे, कान में चीज होगी? यू कान साफ करने का औजार है, इस तक कान के कीड़े मकोड़े सब साफ हो जाए। ना बना, मैंने करवाता, मेरे कान में क्या कीड़े हो रहे? लाइक बिरोर दिखा, इसमें तो भूत की डटक हो रही, इसमें तो बादाम का तेल गिर का कारण पड़ेगा। यू अरे ये तो बोरो प्लस है, इसका क्या करेगा? यू कान में गिर का घूम फुलाना पड़ेगा, जब ही तो लिगड़ेगा। अच्छा अब बता कैसा सुनाई दे रहा, बता अब कैसा सुनाई दे रहा तुझे? ओ बेरे, अबे बता दे तो ना। अरे अरे क्या कर दिया मेरे कान में, मुझे ना सुनाई दे रहा कुछ भी? क्या बक रहे हो तुम, मेरी तो लाइट सी भाज गई। मैं बताऊं तो मैं, अरे 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 सुनिए, क्यों मार रहा है इसे? अरे सामू तू ही बता दे क्या हो गया। अरे इसने मेरे कान में बोरो प्लस गिर के चिमटी से घुमा दिया, मुझे ना सुना दिया कुछ भी। अरे सामू तन्ने कान साफ करने की कैसे ट्रेनिंग ली? अरे यार ट्रेनिंग तो ना ली, पर भूखा मरता के कुछ काम धंधा तो चाहिए। अरे हिल्ला मारे थे पूछ लेता, यो हिल्ला करना आ तुझे? मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, मैं तो से जानते मारूंगा। अरे सुन, यो तेरे लियो मशीन ला देगा, और तू सुन ले इसे कान की मशीन ला के दे दिए। ठीक है भाई राम, ठीक है, और तू चला जा, और आज तक बाद में किसी के कान साफ मत कर दिए, कुछ और हिल्ला टोले। नीता दूध नहीं लेती? ले, उस दिन के 100 रुपए तो ले। नीसा मैं तेरे से पैसे थोड़ी मांग रहा, तू भी कैसी बात करे? अरे तू दूध तो ले लिए कर। क्यों, थारे दूध फ्री आवे? ये तुम्हारे नल में से पानी की जगह दूध निकले जो तू मुझे फ्री दे रहा। नीसा यही तो राज की बात है, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। दूध मैं बाद में ही लूंगी, पहले इस राज को ही पूछूंगी। तू मुझे दूध फ्री में क्यों दे? और को थोड़ी दूं फ्री, तुझे ही तो दूं। तू मुझे ही क्यों फ्री दे, आज तू बता ही दे। नीसा आज मैं तुझे दिल की बात बता ही दूं, मैं तेरे से बहुत प्यार करूं। रामू ये प्यार वाला शब्द तो मैंने आज पहली बार ही सुना है। क्यों, माँ बाप भाई बहन का प्यार तो सुना ही होगा? इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं है। अच्छा फिर तू दूध कहाँ ले जा? मैं अनाथ आश्रम में रहती हूँ और दूध मैं वहीं ले जाती हूँ। अच्छा तो तू अनाथ आश्रम में कैसे आई? जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ जल बसी और पिताजी को डॉक्टर ने कैंसर घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर कुछ दिन बाद पिताजी भी जल बसे और मेरा पालन पोषण अनाथ आश्रम में हुआ। नीसा तू रोती क्यों है? भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। नहीं रामू, एक अनाथ लड़की को कौन कबूल करेगा? तो सुन नीसा, मैं आज धरती माता की कसम खाकर कहता हूँ, मैं तुझे कबूल करता हूँ, मैं तुझसे शादी करूँगा
और जिंदगी भर मैं तेरी सारी जिम्मेदारी उठाऊंगा।